dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I'm sure children, you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children. Stay happy, stay healthy and stay safe. And my suggestion to you all, rather my advice, is to watch all the videos regularly, because all the topics, all the exercises are explained in a very detailed manner, and in the videos I have done lot of extra exercises also which are not there in the book. For practice videos mein maine jo book mein jo exercises hain jo book mein sums hain uske alawa bhi maine bahut sare exercises karwaye hain practice ke liye. ठीक है, सो मेरी सबसे आप सबसे यही एडवाइस है कि आपको वीडियो जरूर देखो. कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो. कोई वर्क छूटा है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो में इजीली देख के समझ सकते हो. द वीडियोज आर लाइक रियल क्लासरूम टीचिंग. जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं इन द सेम वे वी टीच इन द वीडियोज. ओके चिल्ड्रन, टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 12, चैप्टर 12, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. Okay, so here I am with a new video from chapter 12, that is multiplication. First question is what is multiplication? Multiplication हम कैसे इसको कहते हैं? Multiply करना. Multiply करना मतलब बढ़ते जाना. In multiplication, numbers जो है वो multiply होते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं. बट नॉट लाइक एडिशन. जैसे एडिशन में तो हमने जोड़ा और फिर उसका जो भी सम आया, मल्टीप्लीकेशन में वो डबल 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 होते जाते हैं. अभी जब हम लेसन पूरा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि मल्टीप्लाई किसे कहते हैं. जैसे टू है, टू से फोर हुआ, फोर से एट हुआ, एट से 16 हुआ, इस तरह से वो बढ़ते हैं. दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ओके, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में वेन वी एट द सेम नंबर मेनी नंबर ऑफ टाइम. जब हम किसी एक नंबर को बहुत बार ऐड करते हैं, मतलब 3, 4, 5, 6 टाइम्स किसी सेम नंबर को अगर हम ऐड करते हैं बहुत बार, ठीक है, तो उस एडिशन को हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, यू विल सी इट नाउ. सो फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज मल्टीप्लीकेशन एज Multiplication. This is the first topic of this chapter. Multiplication as repeated addition. Multiplication as repeated addition. Okay? रिपीट का मतलब सबको मालूम है. रिपीट का मतलब क्या होता है? रिपीट का मतलब किसी भी चीज को दोहराना. जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं उसको क्या कहते हैं? दैट इज रिपीटेड. ओके, ठीक है ना. सो ऑन पेज नंबर 136, ओपन पेज नंबर 136 चिल्ड्रन इन योर मैथ्स बुक. ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 12 मल्टीप्लीकेशन. नाउ ऑन दिस पेज यू कैन सी टू रोज ऑफ कैरेट्स. यू कैन सी टू रोज ऑफ कैरेट्स, ठीक है, एंड इन ईच रो देर आर 3 कैरेट्स. हियर आर 2 रोज ऑफ कैरेट्स एंड ईच रो हैज 3 कैरेट्स, ठीक है. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स? 2 रोज एंड ईच रो हैज 3 कैरेट्स. सो टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स इज 1, 2, 3, 3 + 3. इन प्लेस ऑफ कैट आई एम टेकिंग बॉल्स. ओके, बॉल्स बनाना इजी होता है. सो सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर द बॉल्स. These are the 2 rows of balls.
Here are two rows of balls. Okay, here are two rows of balls, and each row has three balls. There are two rows. This is the first row. This is the first row, and this is the second row. रो का मतलब होता है लाइन, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, रो मतलब लाइन, ठीक है. सो दीज आर द टू रोज एंड इन ईच रो देयर आर थ्री बॉल्स. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स is, what is the total number of balls? Total number of balls is 3 plus 3 is equal to 6. Total number of balls kitne ho gaye? 3 plus 3. Okay? 3 and 3. Now we have added 3 how many times? 3 ko humne kitni baar add kiya? We have added 3 2 times. 3 ko humne 2 times add kiya. 3 plus 3 is same as 2 times 3. 3 plus 3 का मतलब क्या हुआ? 3 plus 3 is same as 2 times 3. ठीक है, 2 times 3 मतलब 3 को हमने 2 times add किया, first and second. So 3 को हमने 2 times add किया, तो 3 plus 3 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, या उसको मैसेज रीड कर सकते हैं, टू टाइम्स थ्री. ठीक है, नाउ टू टाइम्स थ्री कैन बी रिटेन एज टू इंटू थ्री. ठीक है, टू टाइम्स थ्री कैन ऑल्सो बी रिटेन एज टू इंटू थ्री. जैसे एडिशन का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ एडिशन, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. जैसे एडिशन के लिए हम एड बोलते हैं, टू एड टू तो हम क्या लिखते हैं? टू प्लस टू. सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बोलते हैं? फाइव टेकन अवे फ्रॉम सेवन, तो हम माइनस यूज करते हैं. एंड फॉर टाइम्स यूज साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जब हम टाइम्स बोलते हैं. जैसे इट इज लाइक कैपिटल एक्स, तो दिस मीन्स टू टाइम्स. टाइम्स हम बोलते हैं तो वी पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो हियर वी आर एडिंग थ्री टू टाइम्स. थ्री प्लस थ्री, थ्री को हमने टू टाइम्स एड किया, तो थ्री प्लस थ्री इज सेम एज टू टाइम्स थ्री. थ्री प्लस थ्री और टू टाइम्स थ्री दोनों सेम है. एंड टू टाइम्स थ्री कैन बी रिटन एज टू इंटू थ्री ऑल्सो. ठीक है, टू टाइम्स थ्री को हम टू मल्टीप्लाई बाई थ्री भी लिख सकते हैं. So therefore, 3 plus 3 is equal to 2 into 3 is equal to 6. अभी यहाँ पे 2 into 3 is equal to 6 कैसे आया? हमने table of 2 बोला, ठीक है? 2 threes are 6, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6. यहाँ पे अभी now comes the table. सो इन मल्टीप्लीकेशन, जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें टेबल लर्न होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि सारे वन से लेकर के जितने नंबर है सबका टेबल, बेसिक टेबल्स वन से लेकर नाइन तक का. ठीक है, वन से लेकर नाइन तक का टेबल हमें अगर आता रहेगा तो हम आगे फर्दर कितना भी बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो वी कैन सॉल्व इट. ओके, सो दिस इज नोन एज रिपीटेड एडिशन. जैसे थ्री को हमने टू टाइम्स रिपीट किया, थ्री को हमने दो बार दोहराया, दो बार ऐड किया, सो दिस इज नोन एज रिपीटेड एडिशन. थ्री प्लस थ्री, ठीक है, तो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन मतलब थ्री प्लस थ्री, थ्री को हमने टू टाइम्स ऐड किया, दो बार दोहराया, तो थ्री प्लस थ्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज टू इंटू थ्री. सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन टू इंटू थ्री एज रिपीटेड एडिशन, दैट इज थ्री इंटू थ्री. आंसर विल रिमेन द सेम, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, चाहे आप ऐड करो चाहे आप मल्टीप्लाई करो. ओके, सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन. ओके,
इसको हम 3 + 3 इज इक्वल टू 2 × 3 और वी कैन ऑल्सो रीड इट एज 2 × 3। ठीक है, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 रोज आर देयर एंड इन ईच रो 3 बॉल्स आर देयर, सो 2 × 3। ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं। नाउ इन प्लेस ऑफ बॉल आई विल टेक समथिंग एल्स, यहाँ पे बॉल की जगह मैं कुछ और लूंगी, आई कैन टेक ग्लासेस ऑल्सो। नाउ ग्लास लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? How many glasses are there? There are 3 rows. First row, second row, third row. There are 3 rows of glasses, and in each row there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. And in each row there are 6 glasses. So that is, here are 3 rows of glasses and each row has 6 glasses. ठीक है, 3 rows of glasses है, first row, second row, third row. And in each row there are 6 glasses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, there are 6 glasses in each row. So therefore, total number of glasses is equal to 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 is equal to 18 glasses. ठीक है, now 6 + 6 + 6, that is we have added 6 3 times. 6 को हमने कितने times add किया? 3 times add किया. Okay, 6 is added 3 times. So 6 + 6 + 6 को हम multiplication form में कैसे लिख सकते हैं? 6 + 6 + 6 is same as 3 × 6. 6 + 6 + 6 is same as 3 × 6. ठीक है, 6 को हमने 3 times add किया, 3 × 6. Now 3 × 6 is written as 3 × 6 is written as 3 × 6. Okay, 3 times in place of, जैसे addition में बोलते हैं 4 and 4. तो and की जगह we use the sign of addition. तो similarly in multiplication 3 × 6. टाइम्स की जगह हम मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं, यूज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो 3 × 6 इज रिटन एज 3 × 6. ठीक है, 3 × 6, 3 × 6. नाउ टेबल ऑफ 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 6 = 18. 3 × 6 is equal to
18. Okay. So 3 times 6, it can also be read as 3 multiplied by 6. Okay, so therefore, 6. 6 plus 6 plus 6 is equal to 3 into 6 is equal to 18. 6 plus 6 plus 6 is equal to 3 into 6 is equal to 18. Okay? 6 को 3 का हम add करेंगे. So this is 3 multiplied by 6 multiplication as repeated addition. So repeated addition का मतलब होता है बार बार किसी number को repeat करना. So किसी number को बार बार repeat करके add करने से ज्यादा easy है कि हम उसको multiply करेंगे. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी रोज है, ठीक है, जितने रोज है, जितने कॉलम है, दैट मल्टीप्लाई बाय, मतलब किसी भी नंबर को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं. यहाँ पे 6 फॉर्म में 3 टाइम्स रिपीट किया है, सो 3 इंटू 6. सपोज 6 को अगर हमने 5 टाइम्स रिपीट किया, देर आर 5 रोज, तो 5 टाइम्स 6. सो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इस फॉर्म लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज 5 multiplied by 6, 5 times 6. So this is multiplication as repeated addition. This is multiplication as repeated addition. 3 times 6, or we can say, we can read it as 3 multiplied by 6. Okay? So this is, मतलब पहले जब हम repeated multiplication as repeated addition जब हम लिखते हैं, then how do we know 3 into 6? इज सेम एज 6 इंटू 3, ठीक है. 3 इंटू 6 भी 18 आएगा वेन इफ यू एड, एंड 6 इंटू 3 विल ऑल्सो बी 18. बट 3 मल्टीप्लाई बाई 6 का मतलब है 3 टाइम्स 6, मतलब 6 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया. इफ यू राइट इट एज 6 इंटू 3, इट मीन्स 6 टाइम्स 3, दैट मीन्स वी आर एडिंग 3 6 टाइम्स. दोनों में डिफरेंस आ गया, आंसर सेम है. 3 इंटू 6 का आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है. 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, बट इसको हम रीड कैसे करेंगे? 3 टाइम्स 6. 3 टाइम्स 6 का मतलब है कि 6 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया. 3 टाइम्स 6 मीन्स 6 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया. ओके, 6 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया. एंड इफ आई राइट 6 इंटू 3, तो इट विल बी रेड एज 6 टाइम्स 3, दैट मीन्स वी हैव एडेड 3 6 टाइम्स. So, इसको ध्यान में रखना होगा कि हम जब एडिशन को, रिपीटेड एडिशन को एज मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, तो फर्स्ट वी राइट द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड, मतलब कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है. जैसे इसके पहले हमने लिखा 2 इंटू 3, दैट मीन्स कि 3 को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया. सो व्हेन वी राइट 3 इंटू 6, 3 टाइम्स 6, दैट मीन्स वी आर रिपीटिंग 6 3 टाइम्स. तो जब हम एडिशन को एज मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, तो फर्स्ट वी राइट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट नंबर इज रिपीटेड. कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, पहले हम वो नंबर लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी राइट द नंबर विच इज रिपीटेड. ओके, सो 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3 बोथ विल गिव द आंसर 18, लेकिन दोनों को कैसे रीड करेंगे दैट इज डिफरेंट. ओके, सो चिल्ड्रन आई थिंक दिस इज क्लियर, समझ में आया भी. Now let us do the exercise where in the place holders. Fill in the place holders. Fill in the place holders. Fill in the place holders. Now there are, first we can have 1, 2, 1, 2, 3. Again 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Now, how many rows are there? There are 3 rows of 4 flowers each. There are first row, second row, third row. 3 rows of 4 flowers each. In each row there are 4 flowers. ठीक है, हर एक रो में 4 flowers है. So that means what is the total number of flowers? Total number of flowers is 4 plus 4 plus 4. Total number of flowers कितने हैं? 4 plus 4 plus 4. That means we are adding 4 3 times. 4 को हम 3 times add कर रहे हैं. So how do we write this? We write it as 3 times 4 or 3 multiplied by 4. ठीक है, 3 times 4 or 3 multiplied by 4. Both are same. 4 plus 4 plus 4 is 12 and 3 times 4. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9 and 3 fours are 12. Okay. So 4 plus 4 plus 4 is equal to 3 into 4 is equal to 12. So how do we read it? 3 times 4 or we read it as 3 multiplied by 4. Okay. So इससे हमको क्या समझना आता है? We can say that multiplication is repeated addition. Repeated addition कब है? जब हम किसी एक नंबर को बार बार add करते हैं. When we repeat the same number again and again, when we read the same number again and again, जब हम बार बार किसी नंबर को add करते हैं, same number. अगर हम अलग अलग numbers add कर रहे हैं तब नहीं. But when we add the same number again and again, तो उस केस में क्या? Then multiplication we can write addition as multiplication. मतलब एक नंबर को मैंने 9 times add करना है, तो in place of adding it 9 times, we can write multiply by 9. ठीक है? So what do we do? 3 times 4. मतलब किसी भी नंबर को, यहाँ पे हम 4 को repeat कर रहे हैं. ओके? And 4 को कितनी बार repeat कर रहे हैं? We are repeating it 3 times. So first I have written 3 and number क्या है? 4. तो उसके बाद हमने 4 लिखा. If I write it as 4 multiplied by 3, the answer in this case may be 12 होगा. But then difference क्या आएगा? 4 times 3 का मतलब होगा कि हमने 3 को 4 times repeat किया है. ठीक है? First we always write the number of times any number is repeated. उसके बाद फिर हम जिस नंबर को repeat कर रहे हैं, वो नंबर लिखते हैं. Okay? So children always remember this that we first write the number of times any number is repeated. Okay? Now the next one is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? There are 2 rows of 5 oranges. Okay? 5 oranges ki 2 rows hai. So what is the total number of orange? Total number of orange kitne honge? 5 plus 5. Okay? 5 plus 5. So 5 ko kitni baar repeat kar rahe hain? We are repeating 5 2 times. So how do we write this? We write it as 2 times 5. Or we can also read it as 2 multiplied by 5. 2 times 5 or 2 multiplied by 5. And the answer is 10. Again, always keep in mind, पहले हम जितनी बार नंबर को repeat कर रहे हैं, वो नंबर लिखते हैं. If you write 5 into 2, that means 5 times 2. इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 को 5 times repeat कर रहे हो. Okay? So this is 5 plus 5 is equal to 2. Times 5 or we read it as 2 multiplied by 5. ठीक है? इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है? To make you understand that multiplication can be written as repeated addition. The repeated addition can be written as multiplication.
or we say multiplication is repeated addition. Okay, so this lesson helps to learn the concept that multiplication is repeated addition. यहाँ पे क्या है, 2 × 5 का मतलब क्या है, 5 + 5. 3 × 4 means 4 + 4 + 4, 3 × 4. क्रॉस जो है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है एंड दिस इज रेड एज टाइम्स. सो 3 × 4 = 4 रिपीटेड 3 times. 2 × 5, 2 × 5 = 5 रिपीटेड 2 times. ओके, द नेक्स्ट वन इज, अभी मैं एक और चीज बता रही हूं. सपोज लेट फ्लावर्स भी दे, यहाँ पे ये फ्लावर्स है ठीक है. What is the total number of flowers? 4 + 4 + 4. Total number of flowers is 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? There are 3 rows of 4 flowers. Now, process now change from the beginning. These are known as rows and these are known as columns. Jo vertical wale hain. So, abhi hum rows and columns ko interchange kar dete hain. यहाँ पे 4 रोज है एंड 3 कॉलम्स है. अभी हम 3 रोज बना लेते हैं. 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 3 रोज आ देर एंड 1, 2, 3, 4 कॉलम्स है. अभी हम 4 रोज बनाते हैं एंड 3 कॉलम्स. दैट मीन्स 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. ठीक है चिल्ड्रन, कैन यू सी यहाँ पे लिखे रहने 1, 2, 3. थोड़ा सा चेंज करती हूँ, आई विल मेक इट एक लाइन में. यहाँ पर आई विल मेक 1 रो ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, 2, 3 and 4. Okay, so there are, you can 1, 2, 3. There are 3 rows of 4 flowers each. Okay, there are 3 rows of 4 flowers each. So how do we write? 3 rows of 4 flowers each. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज 4 + 4 + 4. ओके, इसको हमने कैसे लिखा, 3 × 4 = 12. ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 रोज ऑफ आर देयर, 1, 2, 3, 3 रोज ऑफ 4 फ्लावर्स ईच. सो 4 + 4 + 4 दैट इज 3 × 4. सो आंसर इज 12. नाउ सी चिल्ड्रन, इन दिस वन हियर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 देर आर 4 रोज ऑफ 3 फ्लावर्स ईच. ठीक है, 4 रोज ऑफ 3 फ्लावर्स, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. सो हाउ डू वी राइट दिस, वी राइट इट एज 3 + 3 + 3 + 3. ठीक है, 3 + 3 + 3 + 3, दैट मीन्स दिस इज 4 × 3. ओके, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने 3 को 4 times रिपीट किया है. दिस इज 4 × 3. हियर वी आर रिपीटिंग 4 3 times. ठीक है, यहाँ पे हमने 3 को 4 times रिपीट किया. तो आंसर इन बोथ द केसेस सेम, आंसर दोनों में 12 है. बट 3 × 4 means 3 × 4, मतलब 4 repeated 3 times, and 4 × 3 means 3 repeated 4 times. So we can say that 3 × 4 = 4 × 3. दोनों का आंसर कितना होगा, 12. मतलब 3 को हम 4 times repeat करें या 4 को 3 times repeat करें, answer will be 12 only in both the cases. Okay? अभी इसमें इसके एक्सरसाइजेस वी विल डू टुमारो.
आज जितना मैंने समझाया आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो दैट इज व्हाई 4 रिपीटेड 3 टाइम्स, 3 रिपीटेड 4 टाइम्स. सो देयरफॉर वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड बाय एंड हैव अ गुड डे.